अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। बेलगाम शहर एक मदरसे से यहाँ पर पिकनिक के लिए आए। हम आज फ़िलहाल मौजूद हैं किटवाड़ इस गांव में, और यहाँ पर जिस जगह पर हादसा पेश आया उसी जगह पर हम यहाँ से वो गिरे हैं। एक के बाद दिगर चार एक के पीछे गिरे, कुल वैसे तो पाँच या आठ गिरने की बात कही जाती है, लेकिन दो तीन को तो बचाया गया, लेकिन जो चार गिरे हैं वो इसी जगह पर उनका पांव फिसल के गिरा था। ये वही जगह है, उन्हें अंदाज़ा नहीं आया कि कितनी गहराई है इस पानी की, तो उस गहराई को वो समझ नहीं पाए, लिहाजा वह यहाँ पर पांव फिसल कर गिरने से या सेल्फी लेने से इसे कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर वो वाकिया पेश आया, और यहाँ पर गिरने के बाद वो चीखने चिल्लाने भी लगे, लेकिन यहाँ अतराफ़ में आप देख सकते हैं कि गाँव भी दूर है यहाँ से, और यहाँ पर पैदल चलते आना पड़ता है, और पहाड़ियों के बीच में ये होने की वजह से यहाँ चीखने चिल्लाने से भी आवाज़ दूर तक नहीं जा सकती। लिहाजा गांव के लोगों ने जिस तरह से बताया कि आधे घंटे के वक्त लगा वहाँ पर, दौड़ते हुए कुछ लड़कियाँ गई और उन्होंने बताया, तो वहाँ से नौजवान मोटरसाइकिल लेकर आए, वो इस जगह पर पहुँचे, तब तक बहुत सारा वक्त हो चुका था, उसके बावजूद भी उन्होंने छलांग लगाई, जो तैराकी थे उन्होंने छलांग लगाकर, खासकर जिनका नाम लिया जा रहा है विजय महेश आकाश, ये नौजवान थे और उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाई, और भी दीगर नौजवान थे, उन्होंने यहाँ पर छलांग लगाकर उन्हें बचाने की कोशिश की। ये वही जगह है, देख सकते किटवाड़ जो फॉल्स है यहाँ पर, झरना जिस तरह से पानी बहता हुआ है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आते हैं, कहते हैं यहाँ गाँव वालों ने बताया कि रोजाना हजार से ज्यादा लोग यहाँ पर आते हैं, लेकिन अब थोड़ा दोपहर के बाद लोग यहाँ पर नहीं रहते। और यहाँ पर जिस जगह पर कल जो लड़कियों की मौत हुई, वारदात हुई, यहाँ पर उमूमन कोई नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा गहरा है ये पानी, दिखने में ये बहुत कम लगता है लेकिन बहुत गहरा है, तो यहाँ पर उनका आना हुआ और इसी जगह पर कल वो वारदात पेश आई। उन नौजवानों ने यहाँ से वे पूरा पहाड़ वो उन्हें उठाकर लेकर गए और बाहर जाकर उन्होंने रखा। ये बहुत मुश्किल है, अगर आप पैदल भी आएंगे तो काफ़ी दिक्कतें आपको उठानी पड़ती हैं, आप तनहा भी रहे तो, लेकिन उनको वो यहाँ से लेकर आगे तक चले गए। ये हम ग्राउंड रिपोर्ट इसलिए बता रहे हैं कि यहाँ हकीकत क्या हुई, कि कैसे ये पेश आया। तो यहाँ गांव वालों ने जो कुछ भी बताया वो ये है कि एक तो उनके साथ कोई मर्द नहीं थे, और उन्हें यहाँ तक नहीं आना चाहिए था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गहरा है और यहाँ बहुत खतरात रहते हैं, और इतने जो है सुनसान जगह पर, खामोश जगह पर, तन्हाई में, इस जगह पर सिर्फ ख्वातीन को आना ज़रूरी नहीं था, ऐसा गाँव वालों का कहना है। क्योंकि जो असल दबदबा है, जो असल फॉल्स है, जो ज़िगज़ैग जहाँ पर हम अब खड़े थे, जो खूबसूरत जो नज़ारा हमने देखा, वहाँ से यहाँ तक एक आधा किलोमीटर का फासला तय करके वो यहाँ पर पहुँचे हैं, जो यहाँ तक पहुँचना ज़रूरी था। लिहाजा चार मदरसे की लड़कियों की मौत हो गई, जिससे यहाँ का किटवाड़ गांव में भी एक तरह की खामोशी देखी जा सकती है। बेलगाम शहर का तो हाल आप सभी जानते हैं कि पूरा बेलगाम शहर किस तरह से एक मायूसी और एक सन्नाटे के साये में कल देखा गया था, आज भी उस चीज़ को महसूस किया जा रहा है। लिहाजा ये यहाँ पर आकर ग्राउंड रिपोर्ट बनाने की वजह यह है कि कुछ गलतियाँ हमारी तरफ से भी हो जाती हैं। सिर्फ ये कहना कि मौत यकीनी है या मुकद्दर है, यकीनन मौत, ज़िंदगी और मौत अल्लाह ताला की कब्ज़ कुदरत में है, लेकिन कुछ गलतियां इंसान भी कर बैठता है। जो आने वाले जितने भी लोग यहां पर आए हैं या किसी भी जगह पर जाते हैं, तो वो कोशिश करें
कि किसी तरह की हमाकत ना करें, और ख़ासकर जब मदरसे की लड़कियां आती हैं या किसी स्कूल कॉलेजेस की लड़कियां लड़के आते हैं तो इसका ख्याल रखा जाए कि बेवजह जहां पर ज़्यादा खतरात होते हैं ऐसी जगह पर पानी के साथ इस तरह से शरारत करने की कोशिश ना करें। जो भी हो, लेकिन बाज़ वक़्त ये भी कहा जा रहा है कि पाँव फिसल कर गिरे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि सेल्फी लेने के लिए वो वहाँ पर चढ़े थे तो वहीं से वो गिर कर एक के बाद दिगर ऐसा चार टोटल, वैसा तो कुल मिलाकर 7-8 लड़कियाँ गिरी थी, लेकिन 2-3 को बचाने में कामयाब हुई, लेकिन बाकी को यहाँ से अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दरमियान में ही मौत हो गई। कुछ ने तो कहा कि हॉस्पिटल में उनका इंतकाल हुआ। लिहाजा हम किटवाड़ में यहाँ पर मौजूद हैं और इसी नियत से यहाँ आए हैं कि आने वाले जो भी हैं यहाँ पर, किटवाड़ हो या किसी और जगह, हिल स्टेशन पर जाते हों या फॉल्स की जगह पर जाते हों, तो कोशिश ये की जाए कि बहुत ही एहतियात से हम, क्योंकि अल्लाह ताला की नियामत है ज़िंदगी, और ये महज अल्लाह ही को उसकी इजाज़त है कि वो अपनी ज़िंदगी को, उसके ज़िंदगी और मौत का मालिक वही है, लिहाजा हम किसी बात का सबब ना बने। कल के हादसात के कई निशानियां यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर अभी भी जो है एक ओढ़नी यहाँ पर है गिरी हुई, और यहाँ रुमाल भी पड़ा हुआ है, यहाँ पर नज़र आ सकता है कि यहाँ कई सारे, क्योंकि इसी जगह पर वो जो गिरी हुई बेहोश लड़कियाँ थी इसी जगह पर रखी गई थी, वहाँ पर भी जो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ पर जो सीमेंट का है वहाँ पर भी वो एक लड़की वहाँ पर भी रखी गई थी, वहाँ पर बेहोशी की हालत में बचाने की कोशिश की गई थी। ये पूरा नज़ारा यहाँ का हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं इत्तेहाद न्यूज़ देखने वालों को कि कैसे हादसा पेश आया और हमें इससे क्या सबक सीखना चाहिए। ये जो प्लेस है, यहाँ जो भी आते हैं वो मेन जो हमारा डैम है वहाँ से नज़दीक बोले तो भी 0.5 किलोमीटर है, यहाँ तो नहीं आना चाहिए। जो आए थे वो चार बच्ची का कल जो हादसा हो गया, ये चार बच्चियाँ यहाँ आकर वो शायद सेल्फी रही थी। एक जो बच्ची वो यहाँ से पड़ने की, गिरने के बाद ऊपर जाकर बोलने को वहाँ बहुत चढ़न है, वो जाकर बोलने से पहले 0.5 घंटा तो लगता है इधर से, वहाँ से ये करके भी हमारे गांव के नौजवानों आके जब उनको खबर मिली वो आके उनको निकाला। एक बच्ची है, यहाँ जो भी पर्यटक आते हैं, जो ऊपर हमारा मेन डैम है वहाँ आके जो भी उनको करना चाहिए मौज मस्ती वहाँ ऊपर करना, यहाँ नीचे डेंजर है। एक क्या पर्यटक के लिए नहीं करे, वो सितकोरंग के लिए करे सो है, तो नीचे नहीं वो आना चाहिए था। इनका कहना ये है कि ये कोई सैलानियों के लिए या फिर सैर तफरी के लिए ये जगह नहीं बनाई गई है, लेकिन किसानों के लिए जो इनके खेत हैं करीब में, वहाँ ये पानी वहाँ तक पहुँचे इसके लिए ये इस तरह का जो है ये सीमेंटेड जो आप देख सकते हैं बनाया गया। तो लेकिन उनको वहाँ से यहाँ तक आने में कम से कम 0.5 किलोमीटर लगता है, वो 0.5 किलोमीटर का फासला उन्हें तय करके यहाँ नहीं आना चाहिए, क्योंकि इसकी गहराई को समझ नहीं सकते। ये बज़ाहिर थोड़ा पत्थर नज़र तो आ रहे हैं, लेकिन आगे जाएंगे तो वो दो लोगों की जो ऊंचाई है उतना डीप वहाँ बताया जाता है, तो यहाँ नहीं आना चाहिए ऐसा गाँव के लोगों का कहना है, क्योंकि गाँव के लोगों ने यहाँ पर उनको बचाने की काफ़ी कोशिश की, उसके बावजूद भी बचा नहीं खाए, क्योंकि ज़िंदगी और मौत का मालिक तो अल्लाह है, लिहाजा हमें भी कोशिश करनी चाहिए और हमें भी बचने की ज़रूरत है। डीप है थे, इतना डीप है वो, 20-25 फुट नीचे है वो, मालूम नहीं होता ऊपर से। अच्छा, वो नहीं होना चाहिए ऐसा डीप करके, वो बांधे सो है लोग, लेकिन उनको नहीं समझ में आता कैसे उतर जाते। अगर जिसको स्विम आता है वो उनके साथ आ गए तो थोड़ा चलता है, लेकिन नहीं हो सकता। हमारे साथ एक नौजवान यहाँ पर मौजूद है जिन्होंने उनको पानी में से बाहर निकाला, कोशिश की बचाने की, विजय लाड़ यहाँ पर। सर बताइए कि वहाँ पर क्या हो गया? वो लड़कियाँ खेल रही थी और खेलते खेलते अंदर गई, वो मुझे एकमेक पकड़ लो, पकड़ून ते आत गए, भिवन तेना सर बुड़ा मुली बाहर, आत पोहन बाहर का सर। हाँ, ऑन द स्पॉट तिथे पोहन बाहर काड़ला, मैं एकटी मुलगी वाचले तिथे, चौगीना बाहर काड़ल, चौगीला प्रयत्न किया दाबून दाबून पेना का श्वास आला ना, मग स्वामी नंतर कॉल केला पोलीस पाटलाला, नंतर पोलीस पाटलाने लावला ॲम्ब्युलन्स कॉल, त्यांना नेलं म्हणलं। तर आता जबाबदारी काय, आता ड्रायव्हरचीच होती की ती, पण ड्रायव्हर तो इथून तो गाडी ते सोडली आणि तो ड्रायव्हर तिकडून निघून गेला, तो हान्नी ग्राउंडला, पण त्यावर का आला नाही तो इकडे, त्यांनी थांबायला पाहिजे, ते गावाला सांगायला पाहिजे होतं,
तेवढंच आमचं म्हणणं सर. त्यांनी सांगितलं असतं सर ते वाचू शकले असते. गावातले दोन चार मुलं यंग मुलं गेली असते तिकडे पळून लेट झाला भाऊ तिथे. मग एक मुलं गेली सर तिकडे. मग त्या मुलींनी इथं येऊन सांगितलं का खालती कुठे कोपऱ्यावर येऊन सांगितलं घटना घडली म्हणून. हा मग इथनं मुलं गेली वेळ झाला किती वेळ झाला ते सांगू शकत नाही. काय माहीत नाही तिथे कल्पना किती वेळ अगोदर घटना कधी घडली होती कुणी काय सांगू शकत नाही. माया पपाटे तर 2 वर्ष झाली आता आहे आणि ह्या 2 वर्षात 5 लोक जवळजवळ ह्या धबधब्यात बुडून मेले. तर हे पूर्वी का माहीत नव्हतं लोकांना आणि आता कसं काय 2 वर्ष झाले कोरोनामध्ये माहीत झाले सर तिकडचे लॉकडाऊन झाले ना सगळे. तो तुम्हाला ह्याचा आंबोली परत हे कावळे कावळे असतात काय ते लॉकडाऊन बंद झाले मग ते मग इकडे प्रसिद्धी हे जवळ आहे ना आणि हे ड्रिंकर लोकांना जवळ आहे. तिकडे 2-3 नाके लागतात खरी वास्तविक पॅट आणि इथल्या ते काय 10 किलोमीटर 20 किलोमीटरच्या आतमध्ये येऊन जातात किती करून. मध्यंतरी गाववाल्यानं सुद्धा त्यांना थांब रोखलं होतं की ते ऐकायला तयार नाहीत कोणते ते न्यूज पण दिलेत पेपरला तसे. हां दररोज काही 1000 लोकांचे आहेत 1000 लोकांचे दररोज असतात सांगितलं आहे की नाही असं सरळ म्हटलं तर आम्हाला मारणार तर काय की ते आम्हाला मारणार ते ती मिली ती मिलीच. सुबह की वारदात है. सुबह 9:30 बजे ये हंदीगुनोर से ये जो बस थी ये लोग सब आए थे ट्रिप के लिए. तो यहाँ पर अभी क्या ये जो धरन है डैम है यहाँ पर 2 डैम है और किटवाड़ का नाम अभी बहुत सारा हो चुका है और कोरोना के चलते ना यहाँ जो बेलगाम साइड जो है वहाँ पर से जो पब्लिक यहाँ पर ज़्यादा आ रहे थे और अभी थोड़ा बहुत अभी कम हो चुका है नहीं उसके पहले बहुत आते थे. और कल का जो वारदात 9:30 बजे वो लोग यहाँ पर गाँव में आ चुके उनको रास्ता बताया गया यहाँ से मंदिर से वो जा रहे थे. उस टाइम मैं यहाँ पर ही खड़ा था उन्होंने मुझे पूछा भी कि डैम नंबर 1 कहाँ पर है. तो उनको मैंने मेरे तरफ से उनको दिया इन्फॉर्मेशन कि 1 इस साइड पे है 2 नंबर यहाँ पर है आप यहाँ से जा सकते हो. वो लोग गए उधर जाने के बाद जो डैम है हमारा डैम से वो नैसर्गिक धबधबा हो चुका है वो देखने के बाद नीचे थोड़ा सा रास्ता जाता है जहाँ से पानी वो आगे जाता है ओवरफ्लो के बाद. लेकिन पर्यटक ने ध्यान रखना चाहिए कि जो आप लोग यहाँ पर आए हैं निसर्ग का जो आनंद है जो कुछ है हर्ष वो वहाँ पर लेना चाहिए आगे जाना नहीं चाहिए. लेकिन वो लगता है आगे गए और आगे क्या जो हमारी मिट्टी है वो मिट्टी पानी की प्रवाह से आगे जाती है उसको रोकने के लिए बीच बीच में बांध डाले हुए कि उसी वो चलते हो बाहर आगे न जाए. और वहाँ पर अभी क्या सेल्फी पॉइंट से बहुत हो चुके हैं इसके चलते ना पब्लिक आगे आगे जाती है सेल्फी पॉइंट लेने के लिए और मौज मस्ती करने के लिए. और वो लगता है कल आगे चले गए आगे जाने के बाद वहाँ पर सब महिला का फीला था वहाँ पर कुछ कोई भी जेंट्स नहीं था. वो लोग महिला वर्ग आगे चले गए आगे जाने के बाद 1-2 लेडीज वहाँ पर वो सेल्फी लेते समय उनका कुछ पैर पिसला और वो पैर पिसलने के बाद वो अंदर के पानी में गई. दूसरी उसको हेल्प करने गई वो भी गई साथ में और 2 ने उनको हेल्प करने के है वो भी चले गए. उसमें 5वें नंबर की थी वो भी साइड में वो बुजुर्ग थी 23 ईयर्स समथिंग वो भी आगे गई. तो 5 जन पानी में जाने के बाद डर के मारे वो उनको वहाँ पर पानी में उनको ये हो गया. आपको कब मालूम है? हमको वहाँ पर होने के बाद वहाँ पर जो और लेडीज़ थी महिला वर्ग थे उनके वो लोग ने उनके उसमें से 2 लड़कियाँ यहाँ पर भागते भागते गांव की ओर आ गए. गांव हमारा वहाँ से 1 किलोमीटर पड़ता है. 1 किलोमीटर आने के बाद वहाँ पर जो पहले घर है फर्स्ट वहाँ पर उन्होंने इन्फॉर्म दिया. वहाँ की एक लड़की रेशमा करके उन्होंने हमारे जो तरुण वर्ग है वहाँ पर इन्फॉर्मेशन किया. जैसे हमारे जो तरुण वर्ग यहाँ पर जो डेली यहाँ पर तैरते हैं वहाँ से 4 लड़के लोग वहाँ पर गए. तब तक न्यूज़ फैली थी वो लोग बाइक से तुरंत चले गए वहाँ पर बाइक लगा कर वहाँ पर भागते गए. देखा माहौल कैसा है तुरंत उन्होंने टाइम किया नहीं 5 मिनट के अंदर वो सब बाहर निकाला और जो प्राथमिक उपचार वो करने शुरू हो गए. उसमें से एक महिला की वहाँ पर हम लोग ने बचाने की कोशिश गाँव के जो तरुण लोग थे उन्होंने किया बाद में तुरंत उनको हॉस्पिटल लेने की कोशिश की गई. आपको क्या लगता है सर वो किस वजह से वहाँ से यहाँ तक आने में देरी हुई इसलिए उनकी मौत हो गई या तो फिर वहाँ सिर्फ महिलाएं थी इसकी वजह से वो खबर यहाँ तक पहुँची नहीं. अगर जल्द पहुँच पाती और जल्द अगर नौजवान यहाँ से वहाँ तक पहुँचते तो क्या शायद जान बच जाती थी. एक तो माहौल ऐसा था वहाँ पर सब लेडीज थी और दूसरा सबसे बड़ी गलती अपन को वहाँ पर का पता नहीं है तो वहाँ आगे जाना ही नहीं चाहिए. आप डैम यहाँ पर है पूरा माहौल यहाँ अच्छा है
और धबधबा वहाँ पर, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, वहाँ पर रास्ता कम है जाने के लिए, खाली हल्का सा जो खितवड़े के लिए वहाँ पर रास्ता है, वहाँ पर जाने की जरूरत नहीं थी। अगर गए आप लोग तो वहाँ पर आपका कुछ पता नहीं डीप कितना है क्या है, तो पानी में उतरना नहीं चाहिए, ये खुद का खुद प्रिकॉशन लेना चाहिए हर एक पर्यटक ने। उन्होंने एंजॉय करते समय गलतियाँ की, उनकी भी गलती है, और वहाँ पर कुछ पुरुष नहीं था क्योंकि सब खेती बाड़ी में जा चुके हैं, वहाँ पर ज़्यादा खेती नहीं है, जो पब्लिक सब बाहर थे और पर्यटक भी ज़्यादा कुछ नीचे नहीं थे, सब महिला वर्ग था। उसके चलते जो अगर वहाँ पर जो महिला मौजूद थी वो लोग ने थोड़ा सा बिना डरे कुछ हेल्प करते, या उड़नी डालते या कुछ, उनके साथ हर एक लड़की पर उड़नी था, वो लोग अगर इकट्ठा करके बांध के फेंक देते आगे तो और ज़्यादा लड़कियाँ वहाँ से बच जाती, मतलब कोशिश कर सकते थे। वो लोग डर गई, डर के मारे बहुत उधर नुकसान हो गया, और यहाँ पर जो पूरा गांव हमारे पर कल से पूरा सुन रहे, क्योंकि ये दुखद इतना गड़ी बटना घटना है कि हर एक के मन में वही कल से चल रहा है। तवा ये घटना सगळी समजली त्याच्यात। हां मग तवडा किती वेळ लागला तुमच्यापर्यंत? आमच्यापर्यंत रे अर्धा तास लागले, अर्धा तास मुली पाण्यात होत्या त्या, त्याच्यामुळे आम्हाला वेळ लागला। वेळ जरा लवकर झाला असता तर 2-3 मिनट तर वाचले असते। इत्तेहाद न्यूज़ की जानिब से हम इन गांव के तमाम नौजवानों का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने वहां तक जाकर, क्योंकि ये तैराकी है और उन्होंने फौरन वक्त ना लगाते, वैसे भी यहां तक पहुंचने में काफ़ी देर हो गई थी, आधा घंटा से ज़्यादा वक्त लग चुका था, इसके बावजूद भी वो गए और उन्होंने लड़कियों को पानी से बाहर निकाला और बचाने की कोशिश की। ये वाकई काबिले तारीफ नौजवान हैं जिन्होंने वहाँ पर छलांग लगाकर बच्चों को बचाने की कोशिश की, लिहाजा बचा नहीं पाए वो एक अलग बात है, लेकिन ये कोशिश भी बहुत ज़रूरी है और इसी से पता चलता है। और किटवाड़ गांव के ये जितने भी लोग हैं वाकई एक इंसानियत को ज़िंदा रखने वाले लोग हैं। ये इन्होंने बताया कि इस गांव में आज भी एक मातम सा माहौल है, यहाँ पर एक सन्नाटा है, खामोशी है, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा हो चुका है। शुक्रिया। इतकं डेंजर आहे ना, ते दिसत नाही खोल किती आहे, त्यांनी काय करतात तिथं येतात, तिथून त्यांना काय वाटतं कमी आहे पाय। खुद गए वो
बारिश से।